गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? चलिए देखिए, आज आपकी पढ़ाई का दूसरा दिन है और बहुत ही उत्साह के साथ सारे बच्चे विद्यालय में आए हैं और लगातार आ रहे हैं। कल से आज डबल संख्या है, बड़ा खुशी का विषय है। तो पहले प्रेयर करते हैं, उसके बाद एक दो पीटी, फिर कुछ बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे, उसको हम सुनेंगे समझेंगे, कुछ बातें भी बताई जाएंगी आपके लिए, उनको ध्यान से सुनेंगे। तो पहले प्रेयर के लिए एकदम लाइन सीधी, रेस्टेंट, एक साथ तेज आवाज में बोलेंगे एक लय में। प्रेयर पोजीशन, प्रेयर स्टार्ट, 1 2 3। राष्ट्रगान एक लय में, एक साथ तेज आवाज में स्टार्ट, 1 2 3। शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जया गाता जनगढ़ मंगल दायक जया है भारत भाग्य विधाता जया है जया है। प्लेज पोजीशन स्टार्ट। इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई लव माय कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, आई शैल ऑलवेज स्ट्राइव टू बी वर्दी ऑफ इट, आई शैल गिव माय पेरेंट्स टीचर्स एंड ऑल एल्डर्स रिस्पेक्ट एंड ट्रीट एवरीवन विद कर्टेसी टू माय कंट्री एंड माय पीपल, आई प्लेज माय डिवोशन इन देयर वेलबी एंड प्रॉस्पेरिटी अलोन लाइज माय हैप्पीनेस। कल से सभी बच्चे नॉमिनेट किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज एक पीटी होगी, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा मंच पर सलोनी मंच पर आ जाएं, एक सुंदर सी पीटी करेंगी, उसके बाद हम कुछ बातें बताएंगे आपको और कुछ बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे, गीत कहानी चुटकुला कविता जो भी आपको आता है किसी बच्चे को, तो वो मंच पर आएंगे और माइक के सामने उसको सुनाएंगे। आपका वीडियो भी बनेगा और आपको दुनिया देखेगी, दुनिया समझेगी, जानेगी। तो पहले एक पीटी कर लेते हैं आपके माध्यम से, उसके बाद आगे का कार्यक्रम स्टार्ट। रेस्टन अटेंशन, 1 2 आराम से, 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 रेस्टन अटेंशन। बहुत सुंदर। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो पीटी है ना, फिजिकल ट्रेनिंग, ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तो पूरी दुनिया, पूरा देश हमारा, इस पूरे दुनिया में ये संदेश फैला दिया है कि ये बहुत ज़रूरी है। योगा जिसको आप कहते हैं, ये भी एक तरह का योगा है, योग है, और ये हमें अपने जीवन में अपना लेना चाहिए, रोज़ करना चाहिए, यहाँ नहीं तो घर पर रोज़ करना चाहिए। इससे हम क्या है, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, माइंड फ्रेश रहता है, पढ़ने में मन लगता है और कोई भी काम करने में हमें आलस नहीं होता। इसलिए रोज़ कोई ना कोई योगा रोज़ करना चाहिए, हमारे
शास्त्र में तो बहुत सारे योगा ऐसे बताए गए हैं जिनसे बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। रोग पास आते ही नहीं है, पहली बात तो होते हैं तो दूर हो जाते हैं, लेकिन क्या है कि हमें उनकी जानकारी नहीं होती है, अगर होती भी तो उसको करते नहीं हैं, बस दवा का सहारा ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, रोज़ एक पीटी होगी, रोज़ एक योगा इस तरह का होगा जिससे कि आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाए, आपके अंदर की जो अकड़न जकड़न है, कहने का मतलब जो आलस है, वो सब दूर हो जाए और आपका पढ़ाई में मन अच्छे से लगे। इसलिए एक पीटी रोज़ हुआ करेगी और आज बच्चों को नॉमिनेट किया जाएगा। कल से बच्चे क्वेश्चंस हैं, न्यूज़ है, थॉट ऑफ टुडे है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, वो सब यहाँ पर बोलेंगे। तो कल से पूरी एकदम तैयारी के साथ बच्चे आएंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ। आप देख रहे हो कि पहले ही दिन से आपकी पढ़ाई का जो जज्बा है, पढ़ाई का जो तरीका है, और विद्यालय से कई गुना बेहतर आपकी पढ़ाई यहाँ पर शुरू करी गई। और उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ रोज़ पहले ही दिन से, कल से ही, बल्कि छुट्टियों में भी, जून में छुट्टियाँ रहीं, हम लोग यहाँ बैठते थे तो छुट्टियों में भी लगातार एडमिशन हुए, और कल से लगातार एडमिशन हो रहे हैं। अभी सुबह कई एडमिशन हो गए और अभी आने वाले हैं, मेरी अभी फ़ोन पर बात हुई थी। तो बहुत सारे एडमिशन हमारे लगातार इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमारा जो विद्यालय इस क्षेत्र में एकदम नंबर टॉप पर है, और होना भी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं, जो पढ़ाई है, बहुत ही उम्दा और बहुत बेहतरीन कराई जाती है। आप देखते हो कि कोई लेक्चर खाली नहीं जाने दिया जाता, पूरी कोशिश रहती है कि आपके पूरे टाइम पढ़ाई हो, कोई लेक्चर खाली ना जाए, और एक से एक बेहतरीन, एक से एक काबिल और ट्रेंड टीचर आपको पढ़ाते हैं। और आप देखते हो कि पूरे पीरियड भर कोई टीचर बैठता नहीं अपने यहाँ, लगातार पढ़ाते रहते हैं। अगर 35 मिनट का आपका लेक्चर है तो पूरे 35 मिनट टीचर आपको पढ़ाएगा, खाली नहीं बैठता है, कभी मोबाइल नहीं चलाता क्लास के अंदर, मोबाइल चलाना तो छोड़ो, रिसीव तक नहीं करता अगर कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए तो, साइलेंट पर सबके फ़ोन रहते हैं। ये आप देखते हो, ये बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। यही वजह है हमारे यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और आप देखते हो बड़े बड़े बोर्ड हैं, टीचर खाली बैठ ही नहीं सकता, वो पूरे घंटे पढ़ाएगा, तब भी बोर्ड पूरा भरना मुश्किल हो जाता है आधे घंटे में, खाली बैठने का मौका ही नहीं है। बताओ ऐसी पढ़ाई कहीं और मिल सकती है आपको? नहीं मिल सकती। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों के माइंड में, दिमाग में कुछ फितूर की बातें आ जाती हैं, कुछ गलत फहमियाँ भर जाती हैं, जिससे बच्चे बेचारे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, और आजमा कर देखते हैं कि हो सकता है यहाँ से बेहतर हमें कहीं कुछ मिल जाए, यहाँ से बेहतर कोई ज्ञान मिल जाए, कोई अच्छे टीचर मिल जाए। लेकिन अफसोस, वो बेचारे एक दो साल कहीं पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, अपना पैसा गंवाते हैं और फिर वापस यहीं पर आ जाते हैं। तब उनको अहमियत पता लगती है समय की, कि हमने कितना समय ख़राब कर दिया। पैसा तो हुआ ही ख़राब, समय कितना ख़राब हुआ। समय जो चला गया बच्चों वापस नहीं आता। धन तो आप कमा लोगे लेकिन समय दोबारा कमा नहीं सकते आप, समझ रहे प्यारे बच्चों? इसलिए सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करेंगे। अगर आपने एक दिन भी छुट्टी कर ली तो पता नहीं उस दिन कौन सा टीचर क्या महत्वपूर्ण बात आपको पढ़ा दे, आपके क्लास में क्या अच्छी बातें पढ़ा दे, क्या सिखा दे, आप उससे वंचित रह जाएंगे, समझ गए? अगर वही चीज़ दोबारा टीचर पढ़ाएगा तो वो बात नहीं आएगी जो पहले दिन में आई होगी, समझ रहे प्यारे बच्चों? क्योंकि आज हमारा मन है कुछ पढ़ाने का और हमने उसने बहुत मन से पढ़ा, अच्छा पढ़ाया, आप उस दिन आए नहीं, अगले दिन आए, आपने कहा सर दोबारा पढ़ाइए, हमने दोबारा पढ़ाया, लेकिन वो बात तो दोबारा नहीं आएगी जो हमने कल पढ़ाई थी, क्योंकि अब हम अपने मन से पढ़ा रहे हैं, फिर आपके कहने पर पढ़ा रहे हैं। वही पहले एक चैप्टर था इंग्लिश में हाई स्कूल में, स्वामी हरिदास और तानसेन वाला, आपने शायद सुना होगा पुराने बच्चों ने शायद, अब तो हट गया, अब तो सिलेबस ही चेंज है, एनसीईआरटी लग गया सब जगह। पुराने सिलेबस में एक चैप्टर था, वही स्वामी हरिदास वाला, तानसेन वाला, अकबर वाला, अकबर भी थे उसमें एक कैरेक्टर। मैं थोड़ी कहानी सुनाता हूँ थोड़ी सी। तानसेन अकबर के यहाँ एक रत्न के रूप में थे, वहाँ सिंगर थे, वादक थे, गायक थे, वो वहाँ तानसेन अकबर के दरबार में गाते थे, राग वगैरह उनमें बहुत सारा ज्ञान था। तो अकबर उनके जब वो गाते थे तो मगन हो जाते, बिल्कुल भाव विभोर हो जाते थे। तो एक बार अकबर ने कहा, तानसेन तुम बहुत बढ़िया गाते हो, हम तो अपनी शोध खो बैठते हैं, क्या तुमसे ही बड़ा कोई इस धरती पर कोई कलाकार है, गायक है? तो तानसेन ने कहा, महाराज मैं तो अपने गुरु के चरण की धूल के कण मात्र भी नहीं हूँ, जो मेरे गुरु मुझसे ज़्यादा मुझे सिखाया और जो वो गाते हैं। तो अकबर के अंदर उनको सुनने की जिज्ञासा जागी। अकबर ने कहा, भाई तानसेन हम भी तुम्हारे गुरु को सुनना चाहते हैं, कहाँ मिलेंगे, उन्हें बुलवाओ। तो तानसेन ने कहा, नहीं महाराज वो ऐसे नहीं गाते हैं, वो तुम्हारे आएंगे भी नहीं,
आप भले लाख कोशिश कर लो आएंगे ही नहीं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा सुनने के लिए। आपके कहने पर नहीं गाएंगे, जब उनके मूड में आएगा, जब उनका मन करेगा तब गाएंगे, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। बोले चलो कर लेंगे इंतजार, चलो यार। तो अकबर और तानसेन चल दिए भाई हिमालय की तरफ। वो कहीं पहाड़ पे कहीं आश्रम में बना के आराम से मौज काट रहे थे, मतलब रह रहे थे, मस्त रह रहे थे। अगर वहाँ जाकर दंडवत प्रणाम वगैरह हुआ, दुआ सलाम हुई भाई राजा साहब की। अब काफ़ी दिन हो गए, कई दिन हो गए, उन्होंने गाया ही नहीं। अकबर बोले यार तानसेन कुछ करो यार, गाएं कुछ यार, बड़ा टाइम बीत गया, राजमहल में कौन देख रेख करेगा भाई, हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो तानसेन ने युक्ति सोची। एक दिन तानसेन ने उन्हीं का सिखाया हुआ गीत जानबूझ के गलत गाना शुरू कर दिया। अब हम आपको कुछ चीज़ बताएं, कुछ पढ़ाएं बच्चे अच्छे से, और आप गलत करो तो हमें थोड़ा बहुत तो क्रोध आएगा। बोले हमने इतनी मेहनत से पढ़ाया, बच्चे को आ नहीं रहा, बताओ गुस्सा आएगा, फिर हम आप डांटेंगे फटकारेंगे, फिर दोबारा सही बताएंगे। ऐसा होता है ना कई बार। तो वही बात उनके साथ हुई। अब गुरुजी से रहा नहीं गया स्वामी हरिदास जी से, उन्होंने तानसेन को बुलाया, फटकारा डांटा। बोले क्यों तानसेन, क्या हो गया तुम्हें आज बेटे, ये क्या कर रहे हो, गलत क्यों गा रहे हो? अब तानसेन बेचारे जानते तो थे हाँ मैं गलत गा रहा हूँ, कहे कुछ नहीं पाए। तो गुरुजी ने फिर गाना स्टार्ट किया, बोले देखो ऐसा नहीं, ऐसे गाया जाता है। अब जब उन्होंने गाया तो वो खुद भूल गए मैं कहाँ हूँ, मेरा गीत कहाँ है, एकदम वो खुद मस्त हो गए हरदास जी। अब जब वो मस्त हुए तो अकबर को भी पता नहीं रहा मैं कहाँ पड़ा हूँ, कहाँ हूँ, हिमालय में हूँ कि महल में हूँ, वो भी मस्त हो गए। जब गीत समाप्त हुआ तो अकबर को जगाया गया, महाराज किधर हो, कहाँ खो गए? उनको जगाया गया तो उनको होश आया, अरे मैं कहाँ हूँ। तो प्यारे बच्चों ये मेन बात है। अब उन्होंने कहा भाई स्वामी तानसेन तुमने पहले नहीं बताया गुरुजी के बारे में, गुरुजी तो आपसे कई कई गुना बहुत ज़्यादा, सैकड़ों गुना ज़्यादा अच्छा मतलब गाते हैं। तो तानसेन ने कहा महाराज मैं भी ऐसे ही गा सकता हूँ, क्योंकि मैं चेला तो नहीं कहूँ, मैं भी ऐसे गा सकता हूँ, बस बात यह है कि मैं आपको खुश करने के लिए गाता हूँ, आपके आदेश पे गाता हूँ, और गुरुजी अपनी इच्छा से गाते हैं। और तो जो काम अपनी इच्छा से किया जाता है, मन से किया जाता है ना, उसका रस ही कुछ और है, उसका आनंद ही कुछ और आता है। ऐसे जब टीचर मन से पढ़ाता है तो वो ज़्यादा बढ़िया आपको समझाएगा, ज़्यादा आप उसको उत्साह होगा पढ़ाते हुए, मज़ा आएगा। और ऐसे ही जब आप मन से सीखेंगे, मन से पढ़ेंगे, समझ रहे हो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ते हुए, आलस नहीं आएगा, ये मेन बात होती है। बात समझ में आई? तो कहानी अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला इससे, लगाओ ताली इसी बात पे। बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग कहोगे सर काहे के बजवा रहे हैं, ये ज़रूरी है, ताली बजाने से आलस दूर होता है, एक्यूप्रेशर की चिकित्सा हो जाती है, हमारी जो ये वो होती हैं हथेलियाँ, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो शरीर के अंगों से संबंध रखते हैं, बहुत सारे रोग दूर होते हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा से, हमारे देश में है। तो प्यारे बच्चों अब आप देख रहे हो कि कितने बेहतरीन, अब आपको देखो माइक भी आ गया, अब आपकी रोज़ वीडियो बनेगी, यहाँ आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड होगी, आवाज़ भी दुनिया देखेगी सुनेगी, आपको देखेगी, आपकी आवाज़ को सुनेगी, कितना नाम आपका होगा, आपके स्कूल का नाम होगा। और एक चीज़ और बता दूँ प्यारे बच्चों, मैं अभी छुट्टियाँ, बहुत सारे बच्चे क्या सभी नहीं आए, केवल बड़े बच्चे आए थे, कुछ समय के लिए बुलाया गया था उनको पढ़ाने के लिए, छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं आए थे। तो प्यारे बच्चों आपको पहले भी पता था लेकिन मैं आपको दोहरा देना चाहता हूँ, आपको पता है कि हमारे स्कूल के चैनल हैं, दो दो तीन तीन चैनल हैं, आप में शायद ही किसी ने चैनल खोल कर देखा होगा सर ने क्या पढ़ाया आज देख लें छुट्टियों में, किसी ने देखा? आपके स्कूल के चैनल का नाम है आरबी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर, कभी यूट्यूब पे खोलना सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। एक है इंग्लिश भाई राजू सर, उसमें सर जो है कम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये चैनल, एक और चैनल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो होगा आरपी न्यूज़ द ट्री न्यूज़, ये थर्ड चैनल का नाम है, ये अभी स्टार्ट नहीं करा हम लोगों ने, अभी जल्दी में शुरू करने की कोशिश में है, तो वह भी स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आपको खबरें सुनने को मिलेंगी अपने क्षेत्र की। तो प्यारे बच्चों ये जो दो चैनल हैं वो आप अच्छी तरह से उसको देख लें, सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, और लाइक वाइक कहते हैं क्या अंगूठा वाला ना, वो कर लें, जैसे कि आपको घर बैठे अगर आप बैसा छुट्टी पर नहीं आ पा रहे हैं तो घर बैठे आपको उसका ज्ञान मिल जाए, क्या पढ़ाया सर ने आज, मैम ने क्या पढ़ाया, घर बैठे आपको देखने को मिल जाए। कोई बच्चे कई कई दिन नहीं आ पाते हैं, मान लो कहीं नानी के यहाँ फंस गए या किसी काम में फंस गए, तो घर पे शाम को आए, कम से कम शाम को ही वीडियो देख लिए, एक आध चीज़ कुछ तो सीखोगे, है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों ये जो चैनल हैं, अच्छा ये बताओ वास्तव में अभी तक किस किस ने सब्सक्राइब किया है, ईमानदार से बोलना, बिल्कुल ईमानदारी से, बस 5% बच्चे हैं,
अरे मोबाइल तो सबके यहाँ होगा, आजकल ऐसा कोई घर है शायद ही एंड्रॉयड फ़ोन ना हो जिस घर में, अगर सब नहीं है ज़्यादा नहीं तो एक तो है ही हर घर में। बिना फ़ोन के तो चल जिंदगी आजकल अधूरी सी हो गई है। फ़ोन जो है हमारे शरीर का, हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है कि नहीं? तो फ़ोन तो सभी के पास होगा लगभग, तो सारे बच्चों से मेरा एक तरह से अपील है और एक सुझाव भी है। इससे आपका फ़ायदा है, इससे आपका ही फ़ायदा है, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा सीख लोगे, यहाँ तो सीखोगे भी घर जाकर एक्स्ट्रा सीख लोगे। तो ये चैनल है ना आरपी पब्लिक स्कूल जो कि ठेर सिबगंज बरेली, और एक इंग्लिश भाई राजू सर, ये दो चैनल हैं, आप माइंड में सेटअप कर लो या मैं लिखवा दूंगा आपको क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। आप इनको आज ही जाकर तुरंत सर्च मारना, सब्सक्राइब मारना, लाइक ठोकना और सारी वीडियो आपके फ़ोन पर तुरंत हाजिर, आराम से पढ़ सकते हो घर बैठे। यहाँ भी पढ़ो, घर पर ही पढ़ो, बात समझ में आ रही है? कितना डबल फायदा हो जाएगा आपके लिए, ऐसा बहुत कम जगह है बच्चों, हर स्कूल में नहीं है ये बातें। और देखो जितनी आपके स्कूल की फीस है उसी फीस में आप कंप्यूटर भी सीख रहे हो, कितना डबल फायदा है, कंप्यूटर भी सीख रहे हो। अब आप कोई मान लो पाँचवीं क्लास में है, अब आठवें तक पढ़ेगा, तीन चार साल सीखेगा, अगर थोड़ा ही थोड़ा सीखेगा तो तीन चार साल में कितना सीख लेगा, एकदम मास्टरमाइंड बन जाएगा कंप्यूटर का। और दो दो टीचर कंप्यूटर के, एक नहीं दो दो टीचर, दोनों एक्सपर्ट, ये सुविधाएं बच्चों हर जगह नहीं मिलती हैं। तो आपको ये समझना है और सीखना भी है, और इसका जो प्रचार है, इसकी जो बातें हैं, अपने विद्यालय की जो खूबियाँ हैं वो आपको अपने आसपास सब में जा कर बतानी है, जिससे जो बच्चे पुराने अभी नहीं आ रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग का खैर दूसरा ही दिन है आज, वो भी बेचारे समय से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि बुक्स तो अधिकतर बच्चों की आई गई हैं, और जो नए बच्चे उनके नहीं आए हैं, उन बच्चों से निवेदन है कि वो अपनी किताबें जल्दी ले लें, जिससे कि उनकी पढ़ाई घर पर भी अच्छे से हो सके जी। और देखिए प्यारे बच्चों, मेरे पास तो अगर मैं इकट्ठे करता अब तक तो शायद 100 रुपये इकट्ठे कर चुका होता, ये 50 रुपये ऊपर मैम को मिले हैं। मैम कहाँ मिले थे? गैलरी में, गैलरी में, ये गैलरी में पड़े हुए मिले मैम को, आपके हैं, आ जाओ प्लीज़। और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा अपने यहाँ के बच्चों की, अगर किसी बच्चे को एक सिक्का भी मिलता है कहीं, एक जरा सा शार्पनर भी मिल जाता ना पड़ा हुआ, तो तुरंत मुझे ला कर देते हैं। इतनी ईमानदारी हमारे यहाँ के बच्चों की, इतनी तारीफ़ करूँ बहुत कम है। वास्तव में तुम्हारे हैं, झूठ तो नहीं बोल रही हैं आप? किसी और के निकले, अगर किसी और ने कह दिया मेरे हैं तो मैं क्या करूँगा? बच्चों इनको दे दें, पक्का सब सहमत तो इन्हीं के हैं? चलो लो, सब कह रहे हैं। आप कोई कहना मत मुझसे, मेरे थे बाद में, समझ गए ना? लो ध्यान से रखा करो, अच्छा जाओ। खैर कोई नहीं, बच्चे के ही हैं, ऐसे कोई झूठ नहीं बोलेगा पैसों के लिए, लेकिन कोई के बच्चे झूठ बोल जाते हैं कभी कभी, मेरे हैं मैं लूँगा, मेरी पेंसिल है ना, हो जाता है। खैर बच्चों में थोड़ा लालच रहता है, लेकिन नहीं रहना चाहिए, पढ़े लिखे बच्चों के अंदर यही पहचान होती है पढ़े लिखों की। अच्छे अच्छे अपने अंदर गुण पैदा कीजिए, अच्छे अच्छे अपने अंदर बातें लाइए, अच्छे विचार लाइए, टीचर का सम्मान करना सीखिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। अब ऐसा कोई बच्चा जो यहाँ पर आकर कोई चुटकुला, कोई गीत या कविता कहानी सुनाना चाहता है? मैम सर्च करो ज़रा, कोई ऐसा बच्चा है जो आज कुछ यहाँ कुछ अपना करना चाहे, कोई गीत चुटकुला कहानी कविता? छोटे बच्चे, छोटे बच्चे बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं सुनाते हैं, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। चलिए कोई नहीं, कल से मैम लोग की जिम्मेदारी है कि कम से कम दो बच्चों को तैयार करके रखेंगी, ठीक है मैम? कल से दो बच्चों को तैयार करके रखेंगी, अभी बच्चे आज ही स्टार्ट किया है ना कई बच्चों ने, कल तो बहुत कम बच्चे आए थे, इसलिए बच्चों को पता नहीं था कि हमें कैसे क्या कल सुनाना है, गाना है, और नहीं आ पा रहे बेचारे, कुछ छुट्टियों में अच्छा बच्चे थोड़े लापरवाही हो जाते हैं, बैग कहीं हैं खुद कहीं हैं, खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, पता नहीं रहता है, भूल जाते हैं बेचारे, बच्चों का दिमाग खेल में ज़्यादा हो जाता है, ये तो प्रकृति का नियम है। खैर कोई नहीं, लेकिन कम से कम दो बच्चों की हमें प्रस्तुति यहाँ पर चाहिए, छोटे बच्चों की भी और बड़े बच्चों की भी, कुछ ना कुछ तैयार करके आएंगे। और इस मामले में मैं जहाँ तक समझता हूँ गर्ल्स ज़्यादा आगे रहती हैं, कुछ भी नहीं सुनाने लायक चीज़ सुनाई जाएगी, कुछ भी क्या होता है,
समझ गए बच्चों? तो कल से इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सारे बच्चे कल इसी तरह समय से आएंगे, अपना ध्यान से पढ़ाई करेंगे। आज आपका लंच भी होगा, पूरे टाइम में पढ़ाई होगी। थैंक यू।